भागलपुर की नगर प्रशासन के रवैये से पार्षद आहत है। शहर में साफ सफाई नहीं होने की वजह से पार्षदों में आक्रोश है। इसको लेकर नगर निगम परिसर में वार्ड 16 की पार्षद अमृता राज आमरण अनशन पर बैठ गई है। इसके साथ ही शहर के एक दर्जन से अधिक पार्षद समर्थन में बैठे हैं। इसके साथ ही नगर विधायक अजीत शर्मा के प्रतिनिधि भी समर्थन में है। पार्षदों का कहना है कि शहर में सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, नगर आयुक्त का रवैया बहुत खराब रहता है। आज भी 5 सदस्यीय टीम नगर आयुक्त से मिलने पहुंची तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया, जिसके कारण पार्षद लगातार धरना और अनशन पर रहेंगे। पर बैठ गए हैं, बच्चे हैं ठंडे में इस तरह से। अब माँ जहाँ रहेगी वहाँ तो बच्चा रहेगा ही ना, बच्चा को माँ चाहिए, तो इसलिए बच्चा भी कल से है, सारा बच्चा यहीं पर है मेरा। और जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं कि नगर आयुक्त जी हमारे मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है नहीं करें, नहीं करना चाहते हैं तो हम भी बैठे रहेंगे। क्या मांग क्या है? मांग क्या है? सफाई मुद्दा को लेकर के क्यों नहीं शहर सफाई कर रहे हैं? वो शहर को जवाब दीजिए कि आप सफाई का क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर जनता मेरे पास आती है तो आप सामने आकर के जवाब दीजिए कि आप शहर क्यों नहीं साफ कर रहे हैं, या फिर अपना नंबर आप वायरल कीजिए कि जनता आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करे, हम पार्षदों को परेशान नहीं करें। आज सुबह 5 बजे से सर फ़ोन करना आज चालू होता है, शाम तक फ़ोन यही होते रहता है कि नाला जाम है, शहर कूड़ा से भरा हुआ है, आने जाने में दिक्कत होता है, 3 दिन 4 दिन महीनों से कूड़ा पड़ल रहता है उसे कोई, लेकिन उसे आप लोग मतलब कि वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं, नहीं कार्रवाई हो रही है, तब ना आज बैठे हुए हैं। भागलपुर के जनता के हित के लिए एक महिला पार्षद, जो हमारी महिला साथी पार्षद हैं वार्ड नंबर 16 की, वो आज अनशन पर कल से बैठी हुई हैं। उनके साथ हम तमाम पार्षद यहाँ धरना को अनशन को समर्थन करने के लिए आए हैं। ये भागलपुर का ज्वलंत मुद्दा है कि भागलपुर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, और क्या कारण है जो नगर आयुक्त गोलमोल जवाब दे रहे हैं, क्या कारण है कि नगर निगम की जो यह सफाई व्यवस्था है, हम पार्षद जीत के आए हैं, जनता हमें सवाल पूछती है, उस सवाल के जवाब देने के लिए हम लायबल हैं, लेकिन जब हम नगर आयुक्त और निगम प्रशासन से बात करते हैं तो हमें गोलमोल जवाब मिलता है। यदि इस अनशन को अनवरत जारी रखने के लिए हम पार्षद तैयार हैं, जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हम लगातार, आज अनशन पर एक महिला बैठी है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनके बच्चे यहाँ साथ में घूम रहे हैं, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? जवाबदेही नहीं होगी तो यहाँ पर महिला पार्षद ने कहा है कि यदि उसको कुर्बानी भी देनी पड़ेगी भागलपुर के जनता के हित के लिए, तो हम पार्षद सब उनके साथ खड़े हैं, और यदि नगर निगम प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानेगा तो यह आंदोलन आज नगर निगम परिसर में हो रहा है। आज हम पार्षद कर रहे हैं, हमारे जो जनता है वो जनता कल से यहाँ आना शुरू कर देगी। मैं भागलपुर की जनता से भी अपील करता हूँ कि हमारे धरने को, हमारे अनशन को समर्थन करने के लिए आप भी यहाँ आएँ और हमारे इस अनशन को सफल बनाएँ, हमारे इस मुद्दे को सफल बनाएँ, क्योंकि यह मुद्दा वार्ड पार्षदों का नहीं है, यह भागलपुर की जनता का मुद्दा है। भागलपुर की जनता के हितों की रक्षा के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी जनता हमें साथ देगी और हम अपने जनता के कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। ये वार्ड नंबर 16 की जो पार्षद है वह अपने कुछ कतिपय मांगों को लेकर जो है अनशन कर रही है, और हम लोग इनको समर्थन करने के लिए आए हैं। हम लोग को माननीय विधायक ने कहा कि हम लोग को समर्थन करना चाहिए क्योंकि इनकी मांगें जायज़ है, और जैसा कि हम लोग देखते आए हैं, और इस बात को हम लोगों ने कृषि मंत्री, जो प्रभारी मंत्री है, नगर आयुक्त के सामने हमने उठाया था कि आखिर जो पार्षद चुन के गए हैं उसके निर्वाचन का मकसद क्या है, जब वह अपने वार्ड की जनता की सेवा नहीं कर पाता है, और आपका नगर निगम पूरी तरह नौकरशाही के शिकंजे में आ चुका है। जो चाहते हैं यहाँ के नगर आयुक्त, वह अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर वही करते हैं, और कहीं से भी जो है पार्षदों की कोई सलाह को कंसीडर करने के लिए लोग तैयार नहीं है, यह अन्याय है। चूँकि भागलपुर नगर निगम का क्षेत्र, संपूर्ण नगर भागलपुर विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ की नुमाइंदगी कांग्रेस पार्टी के विधायक करते हैं, और चाहे वह किसी पार्टी से जुड़ा हो, क्यों न पार्षद हो, वह भागलपुर नगर क्षेत्र का पार्षद है, उसके सम्मान को अगर कोई चोट लगेगी, उसके अधिकार का अगर कोई दमन होगा, तो किसी भी कीमत में कांग्रेस पार्टी और हमारे ये विधायक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग यही संदेश देने के लिए आए हैं नगर आयुक्त को और पार्षदों को कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ नगर विधायक है, अजीत शर्मा जी हैं, और आपकी आवाज़ सिर्फ
ये जो चार दीवारी है नगर निगम की, वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। यह आवाज सड़क पर जाएगी और सड़क के पास ये भाग जो सत्ता के गलियारे तक जाएगी, पटना जाएगी। और हर हालत में अगर सम्मान नहीं मिला तो इस नगर आयुक्त को भागलपुर नगर निगम छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी जनता के प्रति निर्वाचित पार्षदों का होता है, न कि नगर आयुक्त का होता है। और पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, हम लोग यह जानते हैं कि 17 रुपया रोज प्रति होल्डिंग खर्चा हो रहा है। अगर वह पैसा 100% खर्चा कर दिया जाए तो स्वच्छता के मामले में या भागलपुर में चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां प्रशासन अपराध पर नकेल कसने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है, वहीं चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। देर रात अंधेरे में छत के रास्ते चढ़कर चोरी की नियत से चोर घुसा, लेकिन घर वालों को आभास हुआ और उसने चोर को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने चोर को बांध कर घंटों रखा, उसके बाद 112 पर कॉल करके प्रशासन को बुलाया। वहीं प्रशासन आयो से मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले गई। आशंका जताई जा रही है कि कुछ दिन पहले भी चावल के गोदाम में घुसकर कई बोरी चावल की चोरी उसने की थी। अब देखने वाली बात है कि इस चोर पर प्रशासन किस तरह संज्ञान लेती है। क्या नाम है? क्या नाम है? सब देना जो खटा है। विष्णु कुमार, कहाँ चोरी किए थे? चोरी हुआ सर, हम विकास चोरी करवाया सर। विकास चोरी करवाया था? विकास चोरी करवाया। विकास कौन है? विकास वहाँ पे उसका घर है सर, काली मंदिर। तुमको कैसे पकड़ा? तुमको कहा के लिए पकड़ा? हमको पकड़ा है कि सर कि हम वहाँ ऊपर में थे सर। रात में तुमको 112 उठाया था? हाँ। तो कैसे छोड़ा? छोड़ा ना सर। तब वो जो हम आजमल वो हालत में थे, अस्पताल में सर, ठीक है, पूरा अजमर वो हालत में, ठंडी तो पूरा लगी रहता था। तो छोड़ कर चला गया? हाँ, वो छोड़ के हमको चला गया। पैसा उसका भी लिया था? ना, पैसा कोई कुछ नहीं लिया था हमसे। हमारे यहाँ गोदाम का ताला तोड़ के 10 बोरिया चावल, 4 बोरिया दाल, ये सब लेके गया हुआ है। कब? ये यानी 4-5 तारीख को, 4-5 तारीख को आज चोर पकड़ा गया है। हाँ, यही चोर है? हो सकता है यही चोर हो। थाना में आवेदन दिए थे? हाँ दिए हैं। क्या कार्रवाई किया थाना से? कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ बोला आपको किसी पे शक है। हाँ, बस इतना सब बोल के छोड़ दिया। हाँ। के समय 12:30 में जब हम सोने गए, देखें विकास भैया के छत पर से एक चोर नीचे कूदा, कूदने के आवाज में सीधे कूदते हुए वो छत पे भागते हुए हमारे सीढ़ी की ओर, सीढ़ी रूम गए। तब तक हम छोटा भाई जगा, जब हम लोग देखे कि छोटा भाई जगा हुआ है, और हम लोग फिर साथ ऊपर जब हलचल हुए तो हम लोग गए वहाँ। वहाँ गए देखे, ये है ना सीढ़ी रूम में बैठा हुआ था, इसी के दरमियान में जब देखे वहाँ कि ये है ना चाकू इसके पास छोटा था, वो निकालने का हम लोग के लिए प्रहार करने का प्रयास कर रहा था। तो वहाँ जैसे छोटा भाई उसका हाथ को पकड़ा, उसके बाद फिर हम लोग घिसते हुए, तब तक सभी लोग मिस विकास भी है, फुटेज हुए, सब लोग आए, उसको पकड़ के बांध के रखे। उसके बाद 112 को कॉल किया, आधा घंटा में 112 पुलिस आई, उसको लेके थाना ले गए। थाना ले गए तो वहाँ एक शॉर्ट आवेदन में उनको बोला कि हम अभी नहीं लेंगे, ठीक है, लेने के लिए एक शॉर्ट आवेदन दीजिए, हम इसको हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा। तो इसके लिए है ना एक शॉर्ट आवेदन दिए। तब तक कोई कार्रवाई की या नहीं की थाना कार्रवाई के लिए बोले कि पहले इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल लेने के बाद ही हम इसको कार्रवाई करेंगे। तो क्या इसको हॉस्पिटल लेके गई थी? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में
जरूर संपर्क करें। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा भागलपुर इकाई के द्वारा आगामी 24 दिसंबर को होने वाले यादव महासम्मेलन के विशाल आयोजन को लेकर कई बिंदुओं पर बैठक की गई। इस बैठक में देश के कई राज्य से यादव समुदाय के लोग शिरकत करेंगे और इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी भागीदारी देने और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जुटने की अपील की गई। बता दें कि अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 दिसंबर को यादव जातियों का विशाल महासम्मेलन का आयोजन होगा। भागलपुर के एक विभा भवन में आज की यह बैठक की गई, जिसमें अखिल भारतीय यादव महासम्मेलन के दर्जनों पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम सब लोग अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के इस प्रांतीय अधिवेशन में सब लोग हम लोग आए हैं और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी देश को ज़रूरत हुई है, हमारे समाज के लोगों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। हमारे देश के युवाओं की एक मांग है अहिर रेजिमेंट की, उसके लिए हम पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं और उसको जगह जगह पर प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक जिले में घर घर में हम लेके जाएंगे। चाहे 1857 की क्रांति की बात करें, राव तुलाराम जी उसमें शहीद हुए थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। कारगिल के युद्ध की बात करें, संसद पर हमले में भी हमारे जगदीश यादव जी वहाँ राजस्थान के थे, वो जो शहीद हुए थे। तो हर जगह पर जब भी देश में कोई आफत आई है, यादव हर मोर्चे पर लड़ा है और हमारी जो अहिर रेजिमेंट की मांग है उसको हम सब जगह लेके। भागलपुर शहर की सड़कें ऐसे ही संकीर्ण है, उसके ऊपर हर सड़कों के किनारे अवैध रूप से फुटकर विक्रेताओं द्वारा दुकान लगा दी जाती है, जिससे शहरवासियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर देखते ही देखते जाम में तब्दील हो जाता है। इसे निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने तिलकामांझी चौक से लेकर होली फैमिली वाले रास्ते में सभी फुटकर दुकानदारों के दुकान को हटाकर फुटपाथ के क्षेत्र में लगवाया है। यहां अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ जहां जिला प्रशासन का अवैध रूप से बने दुकानों पर बुलडोजर चला है, वो कब तक अमल हो पाता है या फिर से दुकानें यहां सज जाती है। यहां पर जो तिलका मांझी चौक से सैंडिस कंपाउंड इधर मनाली वाला रोड में सब्जी वाले के द्वारा सड़क के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ अतिक्रमण किया जाता था, जिससे हर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसलिए इन सब्जी फुटकर विक्रेताओं को हम लोग आगे में जगह दिए हैं कि रोड के पास एकदम खड़ा होकर वहां पर नहीं बेचे। रोड के पास बेचने से मोटरसाइकिल सड़क पर लगाता है, उससे एक्सीडेंट का भी चांसेस ज़्यादा बढ़ता है और जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए हम लोग सारे फुटकर सब्जी विक्रेताओं को आगे बढ़ाए हैं, आगे उनको जगह दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि अपने जो नियत जगह पर दिया गया है उसी जगह पर अपना सब्जी वगैरह की बिक्री करें, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। भागलपुर के मायागंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो 4 दिन से अस्पताल में इलाजरत था। कैदी की पहचान बांका जिला के भवरा के रहने वाले तुलसी कुमार उर्फ अभिजीत के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मेरा भाई 1 साल से बांका जेल में कैद है। इस दरमियान एक बार जेल के अंदर ही इसका ब्रेन हेमरेज हो गया था। उसके बाद इलाज के दौरान वो ठीक भी हो गया, लेकिन उसके बाद से उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रह रही थी। अब फिर से 4 दिन पहले पैरालिसिस का अटैक आया। अगर जेल पुलिस प्रशासन समय रहते मेरे भाई को अस्पताल ले जाती तो शायद मेरे भाई की जान बच जाती। उन्होंने बताया कि मामला लूटपाट का था, जिसमें हाई कोर्ट में सुनवाई के बिंदु पर था। हालांकि तबियत बिगड़ने के बाद बांका जेल पुलिस ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल उस कैदी को लाया, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे नाजुक बनती चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर कैदी के परिजन काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। वो पूर्ण रूपेण बांका जेल पुलिस की लापरवाही की बात कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप राय है और मेरे भाई का देहांत हुआ है। तुलसी कुमार इनका नाम है, उर्फ अभिजीत, और इनका पिछले अप्रैल में जेल में ही ब्रेन हेमरेज हुआ था और हेमरेज होने के बाद जो है इनको अस्थाई बेल अग्रिम मिलते जा रहा था, परंतु हम लोग जज को जो है वकील के माध्यम से जज को कहा गया कि इनकी मृत्यु हो सकती है अगर आप इनको जो है सो जेल में दीजिएगा, तो उन्होंने नहीं माना। हम लोग चले गए हाई कोर्ट में जो है सो अब नंबर आने ही वाला था, आज ही हेयरिंग है हाई कोर्ट में। इनको मानवता के आधार पर जो है पॉक्सो जज जो बाका के हैं एडिशनल 6, उन्होंने बेल नहीं दिया।
ये एकदम न्याय का एकदम साफ उल्लंघन है, मानव के अधिकार का उल्लंघन है। जबकि मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया इन्होंने, 5 सदस्यीय टीम जो है सो गठित हुआ, उस मेडिकल बोर्ड ने यह कह दिया कि यह चलने फिरने लायक व्यक्ति नहीं है या अनफिट है, हाफ पोर्शन कंप्लीट पैरालिसिस है, बावजूद जो है सो इन्होंने बिल जमानत नहीं दिया, कस्टडी कर लिया और इनको जेल दे दिया। जी अटैक एक बार जेल में ही पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था इनका 2023 में ही अप्रैल वगैरह में, फिर इनको कस्टडी कर लिया और वहाँ से इनको बेल मिलते जा रहा था, लेकिन अंततः जो है सो कस्टडी कर लिया, एक महीना मात्र बचा था डिटेंशन इनका। हम लोग हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट में आज इनका हेयरिंग होना था, इनसे प्रे किया गया यहाँ के जज को कि आप जमानत दे दीजिए नहीं तो इनकी मृत्यु हो सकती है, इन्होंने रिजिट हो गया कि नहीं हम बेल नहीं दे सकते। आज सुबह 3:15 में ये अथी मामले में लूटपाट के मामले में था। क्या नाम था इनका? तुलसी कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उनके भाई हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? भद्रार बांका जिला। लापरवाही से इनकी मौत हुई है। भागलपुर जिले के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया के समीप NH-80 के नीचे बने खाई में लोगों ने एक संदिग्ध अवस्था में अधेड़ का शव देखा। शव मिलने से लोगों के बीच सनसनी फैल गई। देखने के लिए इलाके के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन किसी ने शव की पहचान नहीं की। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। लोग आशंका जता रहे हैं कि शौच करने के दौरान पुल के नीचे गिरने से उसकी मौत हुई होगी। पुलिस ने पोखर से शव को बाहर निकाला। मृतक अधड़ की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक ट्राउजर और पीला टी शर्ट पहना हुआ है। हालांकि मृतक के शरीर पर जख्म का कोई निशान नहीं है। पुलिस सब को लेकर शिनाख्त में जुट गई है। पुरुष छात्रावास जाने वाली सड़क छात्रों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़क पर नाले का गंदा पानी फैल गया है। कई दिनों से सड़ रहा पानी बदबू कर रहा है, इसके कारण इधर से गुजरना मुश्किल होने लगा है। बावजूद इसे देखने वाला कोई नहीं है। यहां पर आसपास के मोहल्लों और छात्रावास का पानी आकर एकत्र हो जाता है, जबकि पहले यह भैरवा तालाब में जाता था। जब से भैरवा तालाब में काम शुरू हुआ है वहाँ पानी जाना रोक दिया गया है। यह समस्या सिर्फ उसी सड़क पर नहीं है बल्कि आसपास के पीछे का भी पानी महीनों से जमा है जिसके निकलने का रास्ता नहीं है। छात्र राजकुमार ने बताया कि हॉस्टल में वो 2 साल से रहकर पढ़ाई करता है, लेकिन बीते 3 महीने से हॉस्टल के सामने मुख्य सड़क पर पानी जमा हुआ है। पानी इतना गंदा है कि बदबू मारता है, जिससे डेंगू के प्रकोप में खास बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही अन्य बीमारियां भी फैल गई है। हॉस्टल के चारों तरफ पानी जमा है। छात्रावास के प्ले ग्राउंड में भी पानी बीते 3 महीनों से भरा हुआ है, जबकि अस्पताल एवं मुख्य सड़क भी नाले के पानी से घिरा हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने जिलाधिकारी लेके मुख्यमंत्री तक लिखित शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनने वाला नहीं है। TNB के हॉस्टल में छात्र सालू ने बताया कि रोजाना कोचिंग जाने के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरना होता है। बीते 3 महीने से यहां पर गंदा पानी जमा है। आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो आने जाने वाले राहगीर गिर पड़ते हैं, जिससे दुर्घटना का डर बना रहता है। उन्होंने बताया कि करीब 150 छात्र इसी रोड से होकर गुजरते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गंदे पानी को साफ किया जाए। सर 2-3 महीनों से लगातार इसी तरह से पानी जाम है सर, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ स्टूडेंट को। यहाँ बीमारी सब भी हो रहा है सर, देख रहे जैसे कि डेंगू का प्रकोप बना हुआ है, डेंगू सब का भी खतरा बना रहता है। हम लोग बहुत जगह चिट्ठी दिए सर, यहाँ तक कि CM तक को भी चिट्ठी लिखा गया, लेकिन यहाँ का जो है मतलब जड़ से समस्या खत्म हो ऐसा कुछ नहीं किया गया है, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है सर। कब से? TNB कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में। अच्छा, वहाँ से आने में कोई परेशानी होती है? बस जो देख रहे हैं रास्ता ठीक नहीं है बस, और आने जाने में बहुत दिक्कत होता है बाहर और जाने में। कितने छात्रा जो है वो रहते हैं? करीब 150 के आसपास। अच्छा, किसी में आने जाने में कोई दुर्घटना वगैरह कोई? हाँ, कभी कभी हो जाती है कुछ। अच्छा। आने जाने में जैसे रास्ता थोड़ा कच्चा है तो कभी फिसल जाना ऐसा वगैरह। पानी। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। भारतीय स्टेट बैंक की देश की सभी शाखाओं में राष्ट्रीय किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भागलपुर में भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भागलपुर मंडल के उप महाप्रबंधक
प्रेम प्रभाकर ने बताया कि SBI किसानों के अविश्वसनीय प्रयासों को पहचानने और उनका समर्थन करने के लिए हमेशा साथ हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर ऋण और वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी दी और कुछ क्या कहा उप महाप्रबंधक प्रेम प्रभाकर ने आपको सुनाते हैं। कृषक समुदाय का उत्थान करने वाली नीतियाँ केवल आवश्यक ही नहीं है, वे उनकी समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। भारत सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि समुदाय की समग्र समृद्धि के प्रति लगातार अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कई महत्वपूर्ण पहलों के बीच हम अन्नदाताओं का ध्यान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दो महत्वपूर्ण पहलों की ओर दिलाना चाहेंगे, जिसका उद्देश्य किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और उनकी आय को बढ़ाना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF कृषि परिदृश्य को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना कृषि इंफ्रा परियोजनाओं में निवेश के लिए सस्ती ब्याज दर पर मध्यम दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है और क्रेडिट गारंटी कवर के साथ 3% ब्याज अनुदान प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाकर कृषक समुदाय कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपकरणों, प्रौद्योगिकी और संसाधनों तक पहुंच में सुधार कर सकता है, जिससे उनके लिए निरंतर आय का स्रोत तैयार होगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME दूसरी योजना है, जिसका उद्देश्य विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देना है। पात्र परियोजना लागत के 35% पर पूंजीगत सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 10 लाख रुपए है, के साथ प्रशिक्षण और विपणन सहायता जैसे लाभों के साथ इस योजना का उद्देश्य कृषक समुदाय को खाद्य उत्पादों से खाद्य प्रसंस्करणता के रूप में बदलना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। अब तक एग्री वैल्यू चेन में कृषक समुदाय वैल्यू चेन के निचले स्तर पर रहता है, जो कि आधारभूत कृषि यानी उत्पादन है। एग्री इंफ्रा फंड और PMFME योजनाओं का लाभ उठाकर किसान वैल्यू चेन के वितरण और प्रसंस्करण चरणों में आय अर्जित कर सकते हैं। सरकार ने देश में FPO के गठन को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित सेंट्रल सेक्टर योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन तैयार किया है। भारतीय कृषि में न्यूनतम भूमि जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों का वर्चस्व है, इसलिए उन्हें उत्पादन तकनीक, उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण इनपुट, बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, ऋण, निवेश और सबसे महत्वपूर्ण बाजार तक पहुंच जैसी जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए FPO के गठन के माध्यम से ऐसे उत्पादकों का समूहीकरण कर इन चुनौतियों का समाधान ढूंढने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक सभी पहलों में सक्रिय भागीदारी के साथ सरकार के विकास के लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। हम कृषि से समृद्धि में विश्वास करते हैं और वित्तीय और बैंकिंग पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से कृषक समुदाय का सक्रिय रूप से उत्थान करके हमेशा किसानों के बैंकर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने देश भर में लगभग 15,000 ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं और 80,000 BCCSP के साथ बैंकिंग सेवाओं को कृषि इकोसिस्टम के करीब ला दिया है, जिससे किसानों को ऋण, बचत और अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुंच के लिए सशक्त बनाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। यह एक क्रांतिकारी पहल है जो सिर्फ एक क्रेडिट सुविधा से कहीं अधिक है। यह हमारे किसानों के लिए जीवन रेखा है। हम KCC में सबसे बड़े ऋणदाता हैं। हमने लगभग 1 करोड़ किसानों को KCC दिया है। KCC ब्याज सब्सिडी द्वारा समर्थित एकमात्र योजना है, जहां किसानों को 3% प्रतिवर्ष के न्यूनतम ब्याज पर कार्यशील पूंजी ऋण, कृषि ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। KCC ने हमारे किसानों को महाजनों और निजी सहायकारों के चंगुल से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सिर्फ खेती बाड़ी में ही सहायता नहीं प्रदान करते हैं, हम अपने किसानों के लिए आय के स्रोत बढ़ाने के महत्व को समझते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का एग्री एंटरप्राइज लोन AEL व्यक्तिगत किसानों और कृषि उद्यमों की कार्यशील पूंजी और बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए एक सरल, निर्बाध और वन स्टॉप क्रेडिट समाधान है। चाहे आप एक उभरते उद्यमी हो या स्थापित, चाहे आप डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म या हाइड्रोपोनिक फार्म का प्रबंधन करते हो, चाहे आप कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाई हो, SBI आपके कृषि से संबंधित सपनों को सच्चाई में बदलने में मदद करने के लिए तत्पर है। इस योजना का उद्देश्य किसान को उत्पादक के साथ साथ प्रसंस्करणकर्ता बनने में सक्षम बनाना है, जिससे वह संपूर्ण एग्री वैल्यू चेन में एक अपरिहार्य कड़ी बन सके, जिससे कृषि आय कई गुना बढ़ जाए। AEL के तहत हम कृषि से संबंधित सभी संभावित गतिविधियों को कवर करते हैं, जिसमें खेती से प्राप्त सभी प्रकार के उत्पादों और उप उत्पादों का प्रसंस्करण,
पशु पक्षी समुद्री खाद्य पदार्थ दूध और दुग्ध उत्पाद कोल्ड चेन सहित परिवहन पैकेजिंग गोदाम कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारण संरक्षण मिलिंग आदि शामिल है। हम हमेशा आपसे बस एक क्लिक या एक कदम की दूरी पर हैं। हाल के वर्षों में खेती वैज्ञानिक तरीके से होने लगी है। किसान फसल की पैदावार और संसाधन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान अपना रहे हैं। इस बदलते परिवेश को और मजबूत बनाने के लिए हमने हाल ही में किसान समृद्धि ऋण KSR की शुरुआत की है, जो प्रगतिशील किसानों को वास्तविक लागत के आधार पर सही समय पर उच्च ऋण प्रदान करता है। इसमें आपकी खेती की सभी जरूरतें शामिल हैं, शुरू से लेकर अंत तक। देश में कृषि के क्लस्टर आधारित केंद्रित विकास को लक्ष्य करते हुए हमने देश भर में फलों सब्जियों और नकदी फसलों को कवर करने वाले 40 पहचाने गए फसल क्लस्टरों के साथ साथ 353 जिलों की पहचान की है। बैंक इन समूहों के लिए ब्याज और अन्य शुल्कों में रियायतों के साथ योजना लेकर आया है, जिससे इन समूह के किसान हमारी ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। हम न केवल आवश्यक ऋण प्रदान करने के महत्व को समझते हैं, बल्कि विस्तृत पहुंच के साथ उन्हें निर्बाध रूप से वितरित करने के महत्व को भी समझते हैं। इस दिशा में हमने उच्च मूल्य के कृषि ऋणों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए कृषि केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र कृषि CPC प्रारंभ किए हैं, जो समय पर किसानों को ऋण प्रदान करेंगे। ग्रामीण व्यवसाय हेतु रिलेशनशिप मैनेजर RMRU को कृषक समुदाय के साथ संबंधों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए पदस्थ किया गया है। विभिन्न बैंकिंग उत्पादों निवेश के अवसरों और सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करके वे किसानों को उचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। क्रिसमस डे को लेकर शहर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। क्रिसमस डे को लेकर भागलपुर के CMS किड्स प्ले स्कूल में धूमधाम से क्रिसमस त्यौहार का सेलिब्रेशन किया गया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, जिसमें यीशु के गीत व उनके गानों पर आधारित नृत्य की प्रस्तुति बच्चों ने की। सभी बच्चे सांता क्लॉज के ड्रेस में दिख रहे थे। यह CMS किड्स प्ले स्कूल, जो पिछले 25 सालों से प्री क्रिसमस गैदरिंग मनाया जाता है, क्योंकि क्रिसमस के दिन विद्यालय बंद रहता है, तो उसके पूर्व जो है बच्चों के साथ क्रिसमस का आनंद मनाया जाता है। क्योंकि क्रिसमस जो है वो प्रेम का संदेश देता है। जब मनुष्य और ईश्वर के बीच जो पाप के कारण दूरी बढ़ गई थी, तो परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आज से लगभग 2023 वर्ष पहले, जो हम लोग प्रभु यीशु के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा था ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके, मनुष्य उद्धार जाति उद्धार प्राप्त कर सके। इसी अवसर पे हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। ये प्रेम का संदेश देता है और भाईचारे का संदेश देता है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ कोई परी कोई गरेड़िए कोई राजा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ था गौशाले में, उसको एक छोटे नाटक के रूप में वो लोग दिखाए कि क्यों इस जगत में आए और किस प्रकार से उनका जन्म जो है भविष्यवाणी किया गया था और किस प्रकार से उनका जो जन्म हुआ। और क्रिसमस के कई सॉन्ग पे बच्चे लोग भरपूर आनंद उठाए, डांस किए, और ये प्रतिवर्ष इस विद्यालय में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इसके साथ सांता क्लॉज के रूप में भी आप देख रहे हैं कि बच्चे ड्रेस पहन के आए हुए हैं, ताकि जो वर्षों से एक मतलब कहानी है कि सांता क्लॉज क्रिसमस की रात में बच्चों के बीच आते थे और गिफ्ट दे कर चले जाते थे, उसको